का आगाज करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वीवीपैट पर सभी याचिकाएं खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है याचिकाएं, वीवीपैट पर सवाल उठाने वाली याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। याचिकाओं में वीवीपैट और ईवीएम में 100% मिलान की मांग की गई थी, वरना बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी। अब आपको ये बता देते हैं कि याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। बड़ी खबर, एक तरफ दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है आज की। लंबे समय से इस खबर के ऊपर जो नतीजे का इंतजार किया जा रहा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट से आज एक बड़ी खबर, वीवीपैट पर सभी याचिकाएं खारिज की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं सभी याचिकाएं, वीवीपैट पर सवाल उठाने वाली याचिकाएं हो चुकी हैं खारिज। हम लोगों का ये कहना था कि ये ईवीएम जो हैं, इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है, और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मेलिशियस प्रोग्राम डाल दें। और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए, और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था, तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए, और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर, और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगे को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा, इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क, उस पर मार्क डाल दें, जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें, तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है, जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूएंसी बाय कंस्टिट्यूएंसी करी जाती है, उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए, और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है, तो उसको देखा जा सके। तीसरी बात उन्होंने ये बोली है कि जो इसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं, इसमें जो मेमोरी होती है वो तो चिप में बर्नड होती है, और तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी बर्नड मेमोरी है उसमें 5 हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 5 वीवीपैट सॉरी ईवीएम यूनिट्स की बर्नड मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरखास्त दे सकता है, और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। ये कह के उन्होंने ये सारी पिटिशन डिस्पोज ऑफ कर दी। तो जो याचिकाएं थी उस पर प्रशांत भूषण को आप सुन रहे थे, और इन्हीं की तरफ से याचिका लगाई गई थी। क्या क्या बातें आज सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है, उस बातों को बताते हुए प्रशांत भूषण दिखाई दे रहे थे। अब चलिए एक बार फिर से लौटते हैं, आज दूसरे चरण के मतदान हो रहा है और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग जारी है। उत्तर प्रदेश में अब तक 11.67% वोटिंग हुई है, और अलग अलग जगहों पर किस तरह की वोटिंग है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अमरोहा में 14.32% मतदान हुआ है, वहीं अलीगढ़, मेरठ और आपको दिखा रहे हैं बागपत, जहां पर अलीगढ़ में 12.20%, मेरठ में 12.28%, वहीं बागपत में 11% मतदान। ये सुबह 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत है, कुछ देर में यानी कि 12 बजे एक बार फिर से मतदान प्रतिशत आएगा, जब इलेक्शन कमीशन अपडेट करेगा कि अब तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, तो वो अपडेटेड जो मतदान प्रतिशत है वो भी हमको हम आपको कुछ देर में बताएंगे। लेकिन ये सुबह 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत है, और अब आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद में जो मतदान का प्रतिशत है वो 10.67% यहाँ पर रहा है। वहीं पर बुलंदशहर की बात की जाए तो 11.99%, मथुरा में 10.09%, वहीं गौतम बुद्ध नगर में अब तक जो मतदान का प्रतिशत रहा है वो 11.57% मतदान रहा है।
और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 20 तस्वीरें आपके सामने आज दूसरे चरण के रन की जो हम दिखा रहे हैं आपको, कहां कहां पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, कहां कहां पर मतदान करने के लिए पहुंची हुई है वीवीआईपी सीटें। आप देख सकते हैं देश भर की 88 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जहां से आप इन 20 तस्वीरों को देख सकते हैं। और बेहद महत्वपूर्ण सीटें पूरे देश भर की, आपको ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे दूसरे चरण के देश भर की ये वीवीआईपी सीटों का हाल आपको दिखा रहे हैं। दिग्गज मतदान करने के लिए पहुंचे, सुबह लगातार मतदान करने के लिए दिग्गजों का पहुंचना भी शुरू हो रखा है। एक तरफ आम जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं वीवीआईपीज भी अपनी सीटों पर मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, तिरुवनंतपुरम, बाड़मेर, कोटा, जोधपुर, कन्नूर, बेंगलुरु, इसके अलावा बात कर रहे हैं हम बाड़मेर की, वो जोधपुर की बात कर रहे हैं, दार्जिलिंग, उसके बाद पठानकोट की बात हो रही है, चित्तौड़गढ़ की बात हो रही है, तिरुवनंतपुरम, झालवाड़ा, त्रिशूर, बेंगलुरु, आज कुल 88 सीटों पर पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में मतदान हो रहा है। और जो वीवीआईपी सीटें हैं, डॉक्टर सी बी आनंद तिरुवनंतपुरम से, रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर से, ओम बिरला कोटा से, अशोक गहलोत जोधपुर से, पी विजन कन्नूर से, शोभा करंदाजी बेंगलोर से, तो इस तरह के कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल किया है। आइए आपको वोट प्रतिशत बताते हैं, कहां पर कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है, देखिए ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहले मेरठ का हाल जानिए, 12.28% का मतदान मेरठ में हुआ है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, और सीटें हैं जहां पर मतदान लगातार सुबह से जारी है। बागपत की आप बात करते हैं तो 11% का मतदान बागपत में हो चुका है, मेरठ में 12.8, बागपत में 11% का मतदान। इसके अलावा अलीगढ़ का हाल जानिए, 12.20% का मतदान अलीगढ़ में हुआ है। उत्तर प्रदेश की 8 महत्वपूर्ण सीटें जिसमें गाजियाबाद का भी नाम आता है, गाजियाबाद में 10.67% का मतदान अब तक हो चुका है। वोट प्रतिशत आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों का घरों से निकलना भी बढ़ता जा रहा है। अमरोहा और बुलंदशहर की बात करेंगे, जिसमें बुलंदशहर का हाल जान लीजिए, 11.99% का मतदान बुलंदशहर में हो चुका है। फटाफट से जानिए अमरोहा में क्या स्थिति है मतदान प्रतिशत की, 14.32% अमरोहा में मतदान हुआ है। अब आखिर में बात कर लेते हैं मथुरा और गौतम बुद्ध नगर सीट की, मथुरा में 10.09% मतदान हुआ है, हेमा मालिनी यहां से तीसरी बार चुनावी मैदान में है। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेश शर्मा 11.57% इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदान अब तक हो चुका है। और अलग अलग जगहों पर हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, नोएडा से अमनदीप, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, इसके अलावा बात की जाए बुलंदशहर से प्रशांत कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नोएडा चलते हैं अमन के पास, अमन वहां पर मौजूद है, सुबह से वहां पर देख रही है किस तरह का मतदान हो रहा है। अमन, आप जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, क्या मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है या फिर कहा जाए कि थोड़ी सी गर्मी है उसको लेकर और कामकाज को निपटाने के बाद, अक्सर हमने देखा है कि दोपहर के बाद महिलाएं पहुंचती हैं, तो क्या कुछ आलम जिस बूथ पर आप खड़ी है वहां पर मतदाताओं को लेकर? बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए भारी भीड़ आपको नजर आएगी और साथ ही बड़ी संख्या में लोग पहुंच ही रहे हैं मतदान करने के लिए। वोट कास्ट किया आपने? मोबाइल खड़ा मत करिए। अच्छा, चलिए बताइए क्या मुद्दे रहेंगे जिस पर आप वोट कास्ट करने वाले हैं, मौजूदा सांसद से संतुष्ट हैं? हाँ जी बिल्कुल, अच्छा काम करते हैं वो, अच्छा काम किया है और देश में जो हो भी रहा है वो सब अच्छा ही हो रहा है। चलिए कुछ और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। आपने वोट कास्ट किया, क्या मुद्दे हैं? यहाँ पे डॉक्टर महेश शर्मा है सांसद जी, खुश हैं उनके काम से? यस बिल्कुल बिल्कुल 100%। आप लोग भी वोट कास्ट करके आ रहे हैं? करके आए, दिखाइए, आ जाइए आगे आ जाइए। और देखिए वोट कास्ट करके लोग आ रहे हैं, ये देखिए, ये भी एक सब यंग ऑफ द वन ऑफ द यंगेस्ट वॉलंटियर है, इन्होंने वोट दिया है, मैंने भी वोट दिया है, एंड आई थिंक वोट तो दिखाओ अपना, ये देखिए आई थिंक मैं जो देख रहा हूँ काफी सारी जनता है और सब बहुत ही मतलब उत्साह के साथ, एवरीबडी इज कमिंग, देखिए कितने बुजुर्ग हैं, सब लोग लाइन से आ रहे हैं वोट देने के लिए, और आई थिंक दिस ये सिर्फ जागरूकता है, लोग काफी मतलब क्या बोलते हैं अवेयरनेस हो गया, विच इज वन ऑफ द गुड साइन। बिल्कुल, देखिए धूप बहुत ज्यादा है लेकिन लोग यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए जो एक सबसे ज्यादा जो यहाँ जी के अधिकारों पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के द्वारा डाका डाला जा रहा है, उस विषय पर मुझे आप सबके माध्यम से
अपने देशवासियों से कहना है कि जिस प्रकार से ओबीसी का आरक्षण छीन करके कर्नाटक के अंदर मुस्लिमों को देने का काम किया गया है, या ओबीसी के अधिकारों में डाका डालने का प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी सदा से सबका साथ सबका विकास की पक्षधर रही है। कांग्रेस का इतिहास सदैव तुष्टिकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति से भरा रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेसी प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने अपनी जो नेशनल काउंसिल की जो बैठक 9 दिसंबर 2006 को संपन्न हुई थी, उस बैठक में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। यह भारत के संविधान के विरुद्ध था। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के सभी सदस्यों की भावनाओं के विपरीत था। कांग्रेस की यह जहरीली मानसिकता प्रारंभ काल से, मैं बाबा साहब जी का एक भाषण जो 27 अक्टूबर 1951 में उन्होंने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, वो प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने कभी दलित